नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आपको MG Asta के मोबाइल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको सारे फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। MG iSmart ऐप को डाउनलोड करने के लिए पहले आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो उसमें ऐप स्टोर में जाना पड़ेगा और आपको MG iSmart सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल ऐप में अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। फ़ोन नंबर वही होगा जो कि आपका MG पर सेव्ड है। फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो आपसे गाड़ी का इंजन नंबर या फिर चेसिस नंबर मांगेगा। वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में चेक करना पड़ेगा और वो आपको सही सही डालना पड़ेगा। एक बार आप उसको डाल देंगे फिर आपका ऐप स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, एक बार आपका MG iSmart ऐप और एक्टिवेट हो जाएगा तो आप अपने ऐप पे MG iSmart को खोलेंगे और फिर वो ऐसे स्टेटस शो करेगा। देखिए, ऊपर की ओर दिखा रहा है व्हीकल स्टेटस जो कि नॉर्मल है। उसके बाद आपका फ्यूल रेंज दिखा रहा है, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रिवन, गाड़ी लॉक है कि अनलॉक है, फाइंड माय कार ऑप्शन, लॉक ऑप्शन, एसी ऑप्शन। इस ऐप में जो व्हीकल स्टेटस ऑप्शन दिखाता है वो बहुत ही कूल है। लेट मी शो यू। जब आप इसको टैप करते हैं, स्कैन करता है और फिर आपको ये दिखाता है कुछ ऐसे डेटा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इसमें दिखा रहा है कि सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। उसके बाद ये भी दिखा रहा है कि आपके किस टायर में कितना प्रेशर है। फ्यूल स्टेटस दिखा रहा है, की पोजीशन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दिखा रहा है और बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है। अब इसमें जो टायर का प्रेशर दिखा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हर चीज़ लॉक्ड है कि नहीं वो भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली लाइक दिस थिंग अबाउट इट। द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं इसको इसी ऐप से अपनी कार को अनलॉक कर सकता हूँ। आपको इसको ऐसे अनलॉक दबाना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा और एक बार जब ये स्टेटस भेजेगा तो देखिए कार ओपन हो चुकी है। अगर आपका साइड मिरर ओपन है इसका मतलब है कि कार ओपन हो चुकी है। और इसको लॉक करने के लिए ऐसे लॉक, पासकोड डाला, इसने स्टेटस भेजा और ये देखिए लॉक्ड। सो गाइस, सपोज कि आप अपने घर में बैठे हैं और आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और आपको कहीं निकलना है तो आप अपने ऐप से ही कार में एसी ऑन कर सकते हैं। आपको इस HVAC पे टैप करना होगा, टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा जो भी आपको चाहिए और इसको आप सेंड बटन दबाएंगे, ये पासवर्ड मांगेगा और तुरंत ये आपकी कार को ऑन कर देगा। अब आप देखिए कार अपने आप ऑन हो गई और इसका एसी ऑन हो चुका है। ये चीज़ 10 मिनट के लिए ऑन होता है, ये देखिए ऐप पे शो कर रहा है, फॉर द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल एसी विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स। अब मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर रहा हूँ, ये देखिए सब कुछ ऐप से ही हो गया, फिर से एसी ऑफ हो चुका है। इसमें जो फाइंड माई कार का ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है कि आपकी कार है कहाँ पर और आप उसमें हॉन्किंग एंड लाइटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें दबाया और ये लाइट जलने लगी है बाहर। अब पता नहीं हॉर्न क्यों नहीं बजा रहा है। अब स्टॉप हॉन्किंग करा मैंने और ये बंद हो गई। सो इट्स अ वेरी नाइस फीचर। इसके बाद जो हम टॉप लेफ्ट वाले में जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। फिर ऑप्शन है ट्रैवल का। इस ट्रैवल में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना लोकेशन पहले से ही डाल दें ताकि जब आप कार में बैठें, जब आप इसको सेंड कर देंगे तो आपकी कार में जैसे ही बैठेंगे आप तो ये आपके इस डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाने लगेगा तो आपको बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा। गाइस, थर्ड ऑप्शन है जियो फेंसिंग का। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ड्राइवर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जिसने बोला है कि पास में मैं कार ले जा रहा हूँ, आपने इसमें अपना जियो फेंसिंग अलर्ट को सेट कर दिया, 100 किलोमीटर तक आप इसको सेट कर सकते हैं और जैसे ही आपकी कार इस एरिया से बाहर जाएगी आपको अलर्ट आ जाएगा। इस ऐप में आप ड्राइव इन ड्राइव आउट दोनों कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस एरिया के अंदर जैसे ही कार आएगी आपको पता चल जाएगा और उस एरिया से बाहर जैसे ही कार जाएगी आपको पता चल जाएगा। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्मार्ट ड्राइव का। स्मार्ट ड्राइव में आपको वो डेटा देता है कि आपने जब ड्राइव किया था रिसेंटली, या फिर आप उसमें पुराना भी अपना डेटा देख सकते हैं तो आपने कैसा चलाया है कार को। देखिए, क्योंकि ये डेटा आपकी कार से लेता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि पहले ये सेंड करेगा आपकी कार के कंप्यूटर को और उसके बाद कार के कंप्यूटर ये डेटा सेंड करता है। तो देखिए मेरे में दिखा रहा है कि मैंने 11.6 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से चलाया, आज ब्रेकिंग 7 है, दैट्स वेरी बैड।
और इसके अलावा मैं पीछे का भी देख सकता हूँ, 6-7 जनवरी को मैंने कैसा चलाया। फिर देखिए इसमें आप हर दिन का चेक कर सकते हैं कि गाड़ी को वो कैसे चलाया गया है। और इसमें आपको आपकी मैक्सिमम स्पीड 80 की स्पीड से ऊपर कितनी बार चलाया आपने वो भी दिखाएगा, और 120 से ऊपर कितनी बार चलाया वो भी दिखाएगा। गाइस माय प्रोफाइल के अंदर काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेट मी शो यू। सिक्योरिटी कोड सेटिंग में कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। अलार्म सेटिंग में ये है कि एक बार आप इसको खोलेंगे तो आप एबनॉर्मल अलार्म, इसमें क्या है, सिस्टम विल सेंड अलर्ट टू आई स्मार्ट ऐप ऑन योर मोबाइल इफ़ एनी एबनॉर्मल कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हवा कम है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एबनॉर्मल अलार्म आपको देगा। स्पीडिंग अलार्म, अगर स्पीड लिमिट 80 है और आपने ये टाइम सेट कर रखा है हर दिन का कि इसमें अगर इससे ज़्यादा कोई गाड़ी तेज चलाए तो वह तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा आपके मोबाइल ऐप पर। इंजन स्टार्ट अलार्म, जब इसको आप सेट कर सकते हैं जैसे ही आपका इंजन ऑन किया जाएगा बाय योर की, तो ये तुरंत आपको डेटा भेजेगा कि आपका कार ऑन हुई है। इसके अलावा डिजिटल की, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका चाबी नहीं है तो आप इससे अपने कार को ओपन कर सकते हैं और इससे आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एक बार कार का जो ब्लूटूथ है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको एक्टिवेट की दबाना होगा और फिर आप अपनी गाड़ी को ऑन भी कर सकते हैं। देखिए चाबी मेरे पास नहीं है इस समय, बट ये कार ऑन हो रही है। सो दैट्स अ वेरी कूल फीचर। आप इसको लॉक अनलॉक, हॉन्किंग, लाइटिंग, हर चीज़ कर सकते हैं। डिसेबल कर देंगे तो इस फ़ोन से कार नहीं चलेगी। इसके बाद ऑप्शन सिक्योरिटी सेटिंग्स का है, जिसमें एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, वो है एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजेशन। इसका फ़ायदा क्या है कि सपोज आपने इसको ऑन कर दिया, अब किसी के पास आपके आपकी कार की चाबी भी होगी तब भी ये गाड़ी ऑन नहीं होगी जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते हैं अपने मोबाइल ऐप में जाकर। सो दैट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड गुड सिक्योरिटी सेटिंग। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें अपना पूरा ऐड कर सकते हैं और आप इसमें चेक कर सकते हैं। माय फेवरेट्स में आप अपने सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं और इसके अलावा एज सच कुछ नहीं है, बट ओवरऑल इसमें इतने फीचर्स हैं कि आई रियली लाइक इट और मुझे काफ़ी मज़ा आता है इन ऐप को यूज़ करके। मैं सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ वो व्हीकल स्टेटस वाला है, ताकि जैसे मान लीजिए कि मेरी कार कहीं खड़ी है तो मैं इसको स्कैन करके चेक कर लेता हूँ कि मेरी गाड़ी के दरवाजे खुले हैं या फिर बंद है, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फीचर। और गाइज ऊपर की ओर टॉप राइट में ये ऑप्शन है जो इसमें मैसेजेस अलार्म दिखाता है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई अलार्म सेट किया है कि 80 से ऊपर ना जाए और आपकी कार 80 से ऊपर गई है, तो फिर वो दिखाएगा कि कब कहाँ पर आपकी कार इतनी ओवर स्पीडिंग करी है। देखिए इसमें मेरे में समय काफ़ी जियो फेंसिंग अलार्म, ओवर स्पीडिंग अलार्म्स है। सो गाइज ये था सब कुछ MG आई स्मार्ट ऐप के बारे में। अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी या फिर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं जल्द से जल्द।